हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का अनअकैडमी पर। कैसे हैं आप सब बेटा? तो यहाँ पे हम लोग करंट अफेयर स्टार्ट करने वाले हैं, जैसा कि आप सभी जानते हैं। ठीक है भैया, सारे बच्चे, राकेश, कुमार, धीरज, जो भी उपस्थित हैं, सबका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले सभी को हैप्पी होली, सारे बच्चे जो भी उपस्थित हुए हैं जी। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, हैप्पी होली सबको, हैप्पी होली सबको, बधाई हो। ठीक है जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, सबको हैप्पी होली बेटा, सबको। तो यहाँ पे हम लोग ज़्यादा लंबी क्लास नहीं करेंगे आज, 40-45 मिनट की क्लास करेंगे, है ना? 40 मिनट के आसपास की हमारी क्लास होगी। इस पे हम लोग कुछ इम्पोर्टेंट सवाल देखने वाले हैं और उसके बाद हम लोग यहाँ पे विराम लेंगे। ठीक है भाई, तो यहाँ पे आइए स्टार्ट कर लेते, क्योंकि डेली करंट अफेयर है, हम लोग को कुछ ना कुछ रेगुलर पढ़ना है। तो अगर आपका त्यौहार भी है तो इसके साथ साथ हम लोग थोड़ी बहुत जानकारी लेकर इसको ख़त्म करेंगे। ठीक है भाई, पहला सवाल आपके सामने यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे। ओलंपिक में भाग लेने वाले पहले भारतीय घुड़सवार का नाम था। ठीक है भाई, ओलंपिक की बात कर रहा है और ओलंपिक में भाग लेने वाले पहले भारतीय घुड़सवार कौन थे, ये सवाल आपके सामने है। जो ऑप्शन आपको दिखाई दे रहे हैं, ए ऑप्शन आपके सामने क्या है? आईजे लांबा, इम्तियाज अनीस, रघुवीर सिंह या प्रहलाद सिंह। ठीक है भाई, क्लियर है? कोई दिक्कत तो नहीं आ रही? आवाज़ वगैरह सही है? रुका तो नहीं है वीडियो, चल रहा है? कमेंट करके मुझे बताइए सारे बच्चे कि सब कुछ सही चल रहा है, कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है, कोई समस्या? बोलिए बेटा, चल रहा है सही से? चलिए, अभी देखिएगा चल रहा होगा, है ना? अभी चल रहा होगा, है ना? ओम शांति ओम। दिनेश कुमार जी, धीरज, करण, सबका अब चल रहा होगा ना? ठीक से मुझे कमेंट करके बताओ, सही से चल रहा है? नुसरत, बहुत बढ़िया बेटा, अभी क्लियर होगा। यहाँ पर सवाल जो आपके सामने अदालत की बात कर रहा है, अदालत के लिए एक घटना है। एलजीबीटी समुदाय, ईडब्ल्यूएस अल्पसंख्यक समुदाय या फॉर्च्यून 500 कंपनी बोर्ड, इनमें से आपको बताना था। जो सवाल आपके सामने था इम्पोर्टेंट है, देखते हैं किसको आइडिया है, किसको पता है। सेलेक्टेड सवालों का क्रम है, ध्यान रखिएगा, तो याद रखने का प्रयास जरूर करें, यहाँ पे भूले ना आप लोग, है ना? चलिए इसके आंसर की बात कर लिया जाए। सारे बच्चे इसका आंसर दो बेटा फटाफट, क्या होगा इसका आंसर पता है? चलिए, नहीं पता है, ध्यान रखेंगे सारे बच्चे, जिन्हें जानकारी नहीं है वो थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। यहाँ पर आपका आंसर क्या हो जाएगा? बहुत बढ़िया, हेलो बेटा, हेलो, समझिएगा सवाल नंबर। यहाँ पे आपका आंसर जो हो जाएगा, एलजीबीटी समुदाय हो जाएगा। क्यों हो जाएगा ये भी जान लो, एलजीबीटी समुदाय होगा क्यों ये भी जरूरी है। तो केरल राज्य की बात कर रहा था यहाँ पे, केरल राज्य युवा आयोग ने तिरुवनंतपुरम में आयोजित होने वाली राज्य स्तरीय अदालत का आयोजन किया, जिसका उद्देश्य क्या रहा? ट्रांजिस्टर समुदाय को उनके सामने आने वाले विभिन्न मुद्दों के बारे में त्वरित शिकायत और निवारण के लिए प्रोत्साहित करना। ठीक है, तो इसे ध्यान रखिएगा, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है जो मैंने आपसे बताया, एलजीबीटी समुदाय, क्लियर? चलिए आगे बढ़ेंगे अगले सवाल की तरफ। ये आपके सामने, यहाँ पे आप ए टिक कर दोगे, क्या टिक करोगे सारे बच्चे? ए है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं अगले महत्वपूर्ण सवाल की तरफ। ये सवाल है, देखो भाई सारे बच्चे फटाफट, भुवनेश्वर की बात कर रहा है। भुवनेश्वर में उड़ीसा माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस इंटरनेशनल ट्रेड फेयर 2020 का संस्करण, पहला, पांचवा, आठवां या बारहवां, कौन सा संस्करण अभी किया गया वो आपको बताना है सारे बच्चों को। इम्पॉर्टेंट सवाल है, देखते हैं किसको आता है किसको नहीं आता है, जल्दी बताइए सारे बच्चे फटाफट। जो भी आपको समझ में आए वो आप प्रयास करिए फटाफट, ए बी सी डी। जल्दी ए बी सी डी, क्या लग रहा है? चलिए हो गया, वेरी गुड, गुड मॉर्निंग होली, हाँ हैप्पी होली सबको, हैप्पी होली। यहाँ पर आपका जो आंसर आपके सामने दिखाई दे रहा है 3 नंबर सवाल का, वो हो जाएगा सी, आठवां संस्करण। कौन सा? आठवां संस्करण हाल फिलहाल में स्टार्ट हुआ, जो आप सब जानते हैं, यहाँ पे इसको टिक करना था, क्लियर? इंपॉर्टेंट सवाल, इसे ध्यान रखिएगा। उड़ीसा की बात कर रहा है, सबको हैप्पी होली बेटा। उड़ीसा के भुवनेश्वर में उड़ीसा माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस इंटरनेशनल ट्रेड फेयर का आठवां संस्करण स्टार्ट किया गया,
जिसका उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? नवीन पटनायक के द्वारा। ठीक है, नवीन पटनायक के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया, जो आप लोग जानते हैं, जो आप लोगों ने देखा। तो ये भी सवाल इंपॉर्टेंट था, ये आपको आना चाहिए था। चलिए नेक्स्ट आइए, सवाल नंबर 4 की तरफ बढ़ेंगे भाई। इसको देखो, भारत की बात कर रहा है, पहली बार किस राज्य ने अदालत का आयोजन किया? पहली बार किस राज्य ने अदालत का आयोजन किया? गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग प्रेम, गुड मॉर्निंग सबको, जी प्रणाम, हैप्पी होली सबको। तमिलनाडु, एमपी, यूपी या केरल? ध्यान से बताना, तमिलनाडु, एमपी, यूपी या केरल। पहली बार किस राज्य में अदालत का आयोजन किया जाना है? नवीन पटनायक, दिव्या बेटा स्वागत है आपका भी। फटाफट जुड़िए, प्रयास करिए। यहाँ पे सब लोग, जो बच्चे जुड़े हैं वो लाइक कर देंगे वीडियो को। नए बच्चे जो भी जुड़ते हैं वो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। 13 लोग लाइव है, कितने? 13। एक बार सारे बच्चे वीडियो को लाइक कर दो। यहाँ पे जो आपका आंसर सवाल नंबर 4 का है वो केरल है, आपको मालूम होना चाहिए केरल है। और आपको सबको लगभग जानकारी है कि केरल राज्य युवा आयोग ने तिरुवनंतपुरम में आयोजित होने वाली राज्य स्तरीय अदालत का जो है आयोजन किया है। इसका उद्देश्य क्या रहा है? ट्रांजिस्टर समुदाय को उनके सामने आने वाले विभिन्न मुद्दों के बारे में और त्वरित शिकायत निवारण के लिए प्रोत्साहित करना। ये भी मैंने आपसे बताया था। सचिन स्वागत है, करण बेटा गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग सचिन, प्रेम, दिव्या, वेरी गुड, केडी, चलिए सारे बच्चों का बहुत बहुत स्वागत है। तो यहाँ पे आपके लिए इंपॉर्टेंट सवाल एक और हम रखना चाहते हैं, देखते हैं किसको आता है किसको पता है। पहला सवाल मुझे आप लोग ये बताओ कि पूरे भारत में सबसे ज़्यादा केले उत्पादित कौन करता है? पूरे भारत में सबसे ज़्यादा केले का उत्पादन कौन करता है? केले की बात कर रहा है, तो केले का जो मैक्सिमम उत्पादन है वो तमिलनाडु के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा? तमिलनाडु के द्वारा। पूरे भारत में सोयाबीन का मैक्सिमम उत्पादन कौन करता है? सोयाबीन की बात कर रहा है। पूरे भारत में सोयाबीन का जो मैक्सिमम उत्पादन है वो एमपी करता है। कौन करता है? एमपी, कमलनाथ, है ना। एक और सवाल आपके सामने है, पूरे भारत में सबसे ज़्यादा आलू और गन्ने का उत्पादन कौन करता है? तो आलू और गन्ने की अगर बात की जाएगी भाई, तो आप सब जानते हैं कि यहाँ पे जो आंसर हो जाएगा वो यूपी हो जाएगा। क्या? यूपी, यूपी करता है। एक और सवाल, पूरे भारत में, हैप्पी होली बेटा, हैप्पी होली सबको, पूरे भारत में सबसे अच्छा मसाला कहाँ पाया जाता है? मसाले की बात करेगा तो आप आंसर दोगे केरल। क्लियर है? केरल की बात कर रहे हैं। पूरे भारत में मसाले के मामले में केरल, आलू के मामले में, टमाटर के मामले में यूपी, एमपी किस में आगे है? दाल और सोयाबीन में, तमिलनाडु केले के मामले में आगे है। तो ये ध्यान रखिएगा, प्रेम, अनूप, सारे बच्चे, ठीक है। अमृत जायसवाल, वेरी गुड, हाँ ये चीज़ें आपको मालूम होनी चाहिए। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग अमृत, गुड मॉर्निंग एवरीवन। नेक्स्ट आइए, अगले सवाल की बात कर लें। तो यहाँ पर आपके सामने जो सवाल था, पहली बार किस राज्य में अदालत का आयोजन किया जाना है, तो मैंने इसकी बात करी, ये इंपॉर्टेंट था, ठीक है भाई। नेक्स्ट आइए, यहाँ पर आपके सामने सवाल नंबर 5 देख पा रहे होंगे आप लोग। सवाल क्या है? CMFRI के आविष्कार के बाद भारतीय पोंपोनो मछली की खेती के तालाबों में करने की योजना बनाई गई। गोवा, विशाखापट्टनम, उड़ीसा या कोलकाता? जल्दी बोला, गोवा, विशाखापट्टनम, उड़ीसा या कोलकाता। बहुत बढ़िया सवाल है ये कठिन था, देखें किसको आता है भाई। इसका उत्तर हो जाएगा विशाखापट्टनम। क्या है? विशाखापट्टनम, किसको पता है? भारत में पहली बार केंद्रीय समुद्री मछली अनुसंधान संस्थान में तालाबों में भारतीय पैंपोनो मछली की खेती करने के लिए व्यवहारिक वैज्ञानिक पद्धति विकसित की गई। इसके साथ ही अब विशाखापट्टनम के तालाबों में इसकी आधिकारिक तौर पर खेती की जाएगी, जो आप सब जानते हैं। क्लियर है? ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट सवाल था, जो आपको मालूम होना चाहिए था, इसे ध्यान रखिएगा। हाँ रोहित बेटा, करंट अफेयर पढ़ के मजबूत होगा, ऐसे मजबूत नहीं होगा। एक और सवाल आपके सामने, इनमें से हम रखना चाहते हैं, देखते हैं किसको आइडिया है। सवाल ये बेटा कि आपको बताना है चिल्का झील कहाँ पर है? चिल्का झील इनमें से कहाँ पर है? चिल्का, कोई आइडिया? नुसरत, अशोक, सचिन, रमेश, वेरी गुड, प्रेम, धीरज, बहुत बढ़िया, अच्छा केडी, होली खेल रहे हैं ना। चलिए चिल्का झील उड़ीसा में पड़ेगी, कहाँ पर? उड़ीसा में, आप सब जानते हैं। अच्छा एक और सवाल आपके सामने है, प्रमोद सावंत का संबंध इनमें से किससे है? प्रमोद सावंत का संबंध इनमें से किससे है? पता होगा आप सभी को प्रमोद सावंत के बारे में, तो मैक्सिमम बच्चे जानते हैं। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, प्रमोद सावंत का संबंध, बहुत अच्छा। चलिए सबका हो गया लगभग, यहाँ पे अच्छे से आप सब प्रयास कर रहे हैं भाई, मान लेते हैं आपका आंसर।
अगला महत्वपूर्ण सवाल ये रहा, केंद्र सरकार ने देश भर में फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट स्थापित करने का प्लान किया है, कितने कितने फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट स्थापित करने की बात करी है। 19 लोग हैं इस समय, सारे बच्चे एक बार, हाँ वेरी गुड, कितने लोग हैं, 19, 19 लोग हैं सारे बच्चे, अगर एक बार वीडियो को लाइक कर देंगे तो बहुत बढ़िया रहेगा, प्लीज ये काम कर दो। 368, 668, 960 या 1023, कितनी अदालतों की बात करी गई है। हाँ, गोवा सही है, सुकुमार बेटा बहुत बढ़िया। केंद्र सरकार ने देश भर में 1023 फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट स्थापित करने के लिए प्लान बनाया है, कितना, 1023, इसे ध्यान रखेंगे सारे बच्चे। क्या होगा, 1023 स्पेशल कोर्ट की बात की गई, इसे ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट सवाल है। तो अगर आपका 1023 आया है तो आप सही हैं, इसे ध्यान रखें। नेक्स्ट आइए 7 नंबर की तरफ, पोम्पेनो पर भारत सरकार ने वैज्ञानिक अध्ययन कब स्टार्ट किया, अभी मैंने बताया इसके बारे में, पोम्पेनो पर भारत सरकार ने वैज्ञानिक अध्ययन जो है वो कब शुरू किया है, कब स्टार्ट किया है, किसको आइडिया बताओ बेटा। भारत सरकार ने 2014 में पोम्पेनो पर वैज्ञानिक अध्ययन स्टार्ट किया, तो 2014 अगर आपका आंसर आया है तो बिल्कुल सही आया, ध्यान रखिएगा 2014, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अच्छा एक और सवाल मुझे बताओगे सारे बच्चे, किसके लिए, यहाँ पर देखिए किसको आता है, तेलंगाना राज्य का गठन इनमें से कब हुआ, तेलंगाना राज्य का गठन इनमें से कब हुआ, कोई आइडिया है। रूबी कुमारी स्वागत है बेटा आपका भी, सबका जो बच्चे जुड़े हैं, तेलंगाना राज्य का गठन भारत में कब हुआ, 2012, 14, 16, 18, ध्यान से करिएगा सारे बच्चे। चलिए वेरी गुड, 2014 वालों का यहाँ पे सही मान लिया जाएगा। नेक्स्ट आइए, मिलन 2020 इवेंट की थीम क्या रही, ये मिलन की बात कर रहा है, मिलन 2020 इवेंट की थीम क्या रही, आपको थीम बतानी है, देखते हैं किसको पता है, किसको आइडिया है। पहले तो ये जान लो सारे बच्चे कि आपका जो मिलन 2020 है ये क्या है, ये बहुपक्षीय नौसैनिक अभ्यास है, क्या है, बहुपक्षीय नौसैनिक अभ्यास है, अभ्यास का विषय क्या रहा, सिनर्जी अक्रॉस द सीज, क्लियर है, इसे ध्यान रखोगे आप लोग, क्या रहा, सिनर्जी अक्रॉस द सीज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान रखिएगा, आपके एग्जाम में आ सकता है, वेरी गुड। इस विषय में उम्मीद की जाती है कि मित्रवत विदेशी नौसेनाओं के ऑपरेशन कमांडो को आपसी हित में क्षेत्रों से एक दूसरे के बातचीत करके अनूठा अवसर प्रदान करेंगे, मतलब एक दूसरे से सीधी सी बात है। हाँ बेटा, एनटीपीसी के लिए करंट अफेयर है, सीधी सी बात है कि आपस में तालमेल बनाकर रखेंगे, दोस्ती वाली थीम रहेगी। यहाँ पर जो आपका आंसर था, समुद्र के पार सिनर्जी, ठीक है, जो मैंने आपसे बताया, बी वाले बच्चे यहाँ पे करेक्ट है, अगर आपका आंसर आया है तो क्लियर है। नेक्स्ट आइए अगले महत्वपूर्ण सवाल की तरफ, 9 नंबर, इसे देखो, केंद्रीय समुद्री मछली अनुसंधान संस्थान, केंद्रीय समुद्री मछली अनुसंधान संस्थान ने तालाबों में भारतीय मछली की खेती के लिए एक व्यवहारिक पद्धति स्टार्ट करी, अभी मैंने इसके बारे में क्लियर किया है, अभी मैंने इसके बारे में क्लियर किया है, कौन सी है वो बताना सारे बच्चे फटाफट, ए बी सी डी, 21 लोग लाइव है, कितने, 21, सारे बच्चे एक बार वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, लाइक कर दीजिए फटाफट, कौन सी, यहाँ पे अभी हम लोग बात करके आ रहे हैं, जल्दी जल्दी बोलिए बेटा, बहुत बढ़िया, यहां पर आपके आंसर की बात कर लेंगे, पैम्पोनो बिल्कुल सही है, अगर आपका उत्तर आया है तो बिल्कुल जबरदस्त, इसकी व्यवहारिक खेती की बात अभी सामने निकल कर आ रही है, आप सब जानते हैं। नेक्स्ट आइए अगले सवाल की तरफ, ध्यान से देखना ये सवाल है, इंटरनेशनल लेवल इवेंट मिलन 2020 की मेजबानी कौन सा शहर कर रहा है, इंटरनेशनल लेवल इवेंट मिलन 2020 की मेजबानी कौन सा शहर कर रहा है, चेन्नई, कोची, गोवा, विशाखापट्टनम, चेन्नई होगा, कोची होगा, गोवा होगा, विशाखापट्टनम होगा, बहुत बढ़िया सवाल था ये। चलिए नहीं पता है, भारत में पहली बार केंद्रीय समुद्री मछली अनुसंधान संस्थान ने तालाबों में भारतीय पैंपोनो मछली की खेती करने के लिए एक व्यवहारिक वैज्ञानिक पद्धति की स्टार्ट की थी, जो आप लोग जानते हैं, जिसकी हम लोग पिछली बार में बात कर चुके हैं, क्लियर है भाई। यहां पर जो आपके सामने सवाल है वो इंटरनेशनल लेवल इवेंट की है, जो भी मैंने आपको बताया है, किसको किसको पता है,
किसको किसको पता? वेरी गुड, कुछ बच्चे बता रहे हैं। विशाखापट्टनम सही है। क्या होगा? विशाखापट्टनम। अब इसकी कहानी क्या है? विशाखापट्टनम की बात करेंगे तो विशाखापट्टनम सिटी ऑफ डेस्टिनी को मिलन 2020 की मेजबानी करनी है। अंतर्राष्ट्रीय नौसेना कार्यक्रम मार्च 2020 में किया जाएगा। अगर आपको नहीं पता है तो वाइस एडमिरल, जिनका नाम क्या है, SN धोरमड़े, चीफ ऑफ स्टाफ ENC ने 7 जनवरी 2020 को पूर्व नौसेना कमान इसकी तैयारियों के बारे में बातचीत स्टार्ट करी इनके द्वारा। तो ये भी आप सब जानते होंगे। चलिए अगले महत्वपूर्ण सवाल की बात कर लिया जाए। यहाँ पर मंत्रिमंडल ने भारत और फ्रांस के बीच हस्ताक्षरित प्रवासन और गतिशीलता भागीदारी समझौते के अनुसमर्थन को मंजूरी दे दी। समझौता कब हुआ था? हैप्पी होली बेटा, हैप्पी होली। बताओ समझौता कब हुआ था? 2016, 17, 18 या 19? समझौता कब हुआ? 16, 17, 18, 19। जिन्हें आता है प्रयास करें। 20 लोग लाइव है। कितने? 20 लोग लाइव है। अभी तक सबने लाइक तक नहीं किया है। सारे बच्चे वीडियो को लाइक कर दो पहले फटाफट। चलिए 16, 17, 18, 19। 16 होगा, 17 होगा, 18 होगा या 19 होगा? भैया पीएम नरेंद्र मोदी की कहानी है, आप सब जानते हैं। पीएम नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत और फ्रांस के बीच हस्ताक्षरित प्रवासन और गतिशीलता साझेदारी की पुष्टि की। मार्च 2018 में फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन के भारत के दौरे के दौरान इस समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे। तो अगर आपने 2018 बताया है तो आपकी बात को हम सही मान लेंगे। 2018 में बेटा, है ना? आपने सुना होगा ये कहानी, आप सब जानते हैं। फ्रांस के राष्ट्रपति, जिनका नाम था इमैनुअल मैक्रोन, उनके आगमन की स्थिति थी जो आप सब जानते हैं। विपिन पटेल स्वागत है आपका भी, प्रेम स्वागत है, हैप्पी होली सबको, सबको हैप्पी होली। नेक्स्ट आइए, जिसे डेस्टिनेशन शहर कहा जाता है, अभी हमने इसकी बात करी है, कौन है जिसे डेस्टिनी शहर कहा जाता है? डेस्टिनी, ध्यान से करना, अभी बताया है मैंने डेस्टिनी शहर किसे कहा जाता है, विशाखापट्टनम को। किसे? विशाखापट्टनम को सिटी ऑफ डेस्टिनी कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। क्या कहते हैं? सिटी ऑफ डेस्टिनी, सेलेक्टेड सवाल है, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे हम लोग इसको विशाखापट्टनम कर देते हैं। आगे बढ़ते हैं अगले महत्वपूर्ण सवाल की तरफ। इसे देखो, पहली बार ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाला भारतीय अश्वारोही खिलाड़ी कब बना? पहली बार ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाला भारतीय अश्वारोही खिलाड़ी कब बना? किसको आइडिया है, किसको पता है, जल्दी बोलना। फर्स्ट टाइम, फर्स्ट टाइम, ध्यान से। सारे बच्चे, सारे बच्चे प्रयास करें। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, जबरदस्त। 13। आपके आंसर की बात कर ले तो पहली बार ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाला भारतीय अश्वारोही खिलाड़ी 1996 में था। कब? 1996 में था। 1996 में अटलांटा के लिए, क्या नाम था उनका, लेट विंग कमांडर आइजे लांबा ने ओलंपिक में भारत का पहली बार जो है वो प्रतिनिधित्व किया था, जो आप सब जानते हैं। 1996, है ना, 1996। नेक्स्ट आइए, ओडिशा माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस इंटरनेशनल ट्रेड फेयर 2020 का आयोजन किसने किया? उड़ीसा का MSME विभाग, लघु, यहाँ पर आपके सामने ऑप्शन सब इम्पोर्टेंट है, राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम, भारतीय निर्यात संगठनों का संघ, उपरोक्त सभी। 14 नंबर सवाल है, ध्यान से बताना, 14 नंबर सवाल है, एक एक करके आपको बताना है, ध्यान से। हम यहाँ पे बात कर रहे हैं उड़ीसा के भुवनेश्वर की, तो उड़ीसा के भुवनेश्वर में माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस इंटरनेशनल ट्रेड फेयर 2020 का 8वां संस्करण हुआ, जो आप लोग जानते हैं सबके लिए इम्पोर्टेंट था। यहाँ पर जो आपका आंसर हो जाएगा वो सारे के सारे, सबने, यहाँ पे जो भी आपके सामने लिखे हैं सारे के सारे सही हैं, ठीक है, सबने मिलकर किया, इसे ध्यान रखिएगा, सबके लिए इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट आइए अगले सवाल की तरफ, दशकों के बाद टोक्यो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाला पहला भारतीय घुड़सवार कौन था? दशकों के बाद, ध्यान से, दशकों के बाद टोक्यो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाला पहला भारतीय घुड़सवार कौन था? फवाद मिर्जा, डेक्कन, मणिपुरी छोड़ा घोड़ा या फिर चुम्मा माल्टी? ध्यान से करिएगा,
जल्दी। बहुत बढ़िया, चलिए आपके आंसर की बात कर लें तो यहां पर आपका आंसर बिल्कुल जबरदस्त आ रहा है। सवाल नंबर 15 था, 15 का जवाब हो जाएगा क्या, ए फवाद मिर्जा। इनका नाम याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट सवाल है। फवाद मिर्जा, जिनका भी आंसर आया सब सही है। ध्यान रखने वाली बात यह है, भारतीय स्वरोही फवाद मिर्जा आधिकारिक तौर पर टोक्यो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाले पहले खिलाड़ी बने थे। आपको मालूम होगा इन्होंने 2 दशक के इंतजार को खत्म किया और इंटरनेशनल फेडरेशन फॉर इन्वेस्टियर्स स्पोर्ट्स में नवीनतम रैंकिंग जारी करी। 1 जनवरी 2019 से 31 दिसंबर 2019 के बीच सभी परिणाम शामिल किए गए जिसमें ये नाम इनके लिए आया। ठीक है भाई, नेक्स्ट आइए अगले सवाल की तरफ। 16, उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक परियोजना को राष्ट्रीय परियोजना कब माना गया, 2000, 2002, 2006, 2010। जल्दी ध्यान से, इंपॉर्टेंट है। 2002, नहीं इसमें पोल नहीं आता है। हैप्पी होली, हैप्पी होली। सारे बच्चे वीडियो को लाइक कर दीजिए, है ना, वीडियो को लाइक और शेयर सारे बच्चे कर दिया करिए। यहाँ पर सवाल नंबर 16 था और 16 के आंसर की अगर हम बात करेंगे तो इसका उत्तर हो जाएगा 2002। क्या हो जाएगा, 2002। कहानी क्या है, उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक परियोजना को 2002 में एक राष्ट्रीय परियोजना घोषित किया गया था। उच्चतम रेलवे लाइन एफिल टावर की तुलना में 35 मीटर की कार्यशाली होने की उम्मीद में थी, जो आप सब जानते हैं। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है, वेरी गुड। नेक्स्ट आइए अगले सवाल की तरफ। महाराष्ट्र केसरी कुश्ती प्रतियोगिता पहली बार कब की गई, महाराष्ट्र केसरी कुश्ती प्रतियोगिता पहली बार कब आयोजित की गई, 61, 65, 73, 78। बोलिए बेटा, 1961, बहुत बढ़िया है, 1965, 73, 78। सवाल नंबर 17 था, 17 का जवाब आपको देना था फटाफट, ए बी सी डी। चलिए बहुत बढ़िया, 1961 यहाँ पे हो जाएगा, 1961। आपको पता होगा महाराष्ट्र केसरी कुश्ती प्रतियोगिता महाराष्ट्र संघ कुश्ती संघ के द्वारा की जाती है, जो आप लोग जानते हैं। किसके द्वारा, महाराष्ट्र राज्य कुश्ती संघ के द्वारा आयोजित की जाती है। इसका आयोजन का जो पहला संस्करण है वो 1961 में किया गया था, उसके बाद से लगातार ये जारी है। ठीक है, 1961, इसे ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट आइए, इसको ट्राई करो। एडवांटेज महाराष्ट्र एक्सपो 2020 का आयोजन किसने किया, एडवांटेज महाराज, समझना पहले सवाल को उसके बाद प्रयास करना। एक्सपो की बात कर रहा है, महाराष्ट्र एक्सपो हाल ही में चर्चा में रहा, इसका जो आयोजन है वो किसके द्वारा किया गया। देखो ऐसे सवालों के आंसर थोड़े से आसान रहते हैं, ऐसे सवाल जो होते हैं उनके आंसर थोड़ा सा आसान होते हैं। कारण क्या होता है, उपर्युक्त सभी की संभावना ज्यादा होती है, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे महाराष्ट्र पर्यटन विकास निगम सही है, बिल्कुल। उसके बाद औरंगाबाद नगर निगम भी सही है, मराठावाड़ा एसोसिएशन भी सही है, और उपर्युक्त सभी तो सही ही है, मतलब किसी भी ऑप्शन को आप गलत नहीं कह सकते, सारे सही हैं, है ना, इसे ध्यान रखिएगा, वेरी गुड। चलिए नए बच्चे जो भी जुड़ते हैं वीडियो को लाइक और शेयर करते रहे, वीडियो को बेटा लाइक करती है सारे बच्चे। चलिए नेक्स्ट आइए अगले सवाल की तरफ, इसे देखो। सरकार ने दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे पुल को पूरा करने के लिए एक नई समय सीमा निर्धारित कर दी, जो कश्मीर को शेष भारत तक जोड़ती है, कब, मई 2020, दिसंबर 2020, मई 2021 या दिसंबर 2021। ध्यान से, ध्यान से, जल्दी करिए सारे बच्चे। चलिए हाँ, वेरी गुड वेरी गुड, रूबी कुमारी जी। चलिए यहाँ पे 19 के आंसर की बात कर लें तो ये इंपॉर्टेंट था, अगर आपको बिल्कुल नहीं मालूम है तो आपका डी हो जाएगा, दिसंबर 2021। कब तक, दिसंबर 2021। थोड़ा बहुत जानकारी रखिए, भारत ने दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे पुल को पूरा करने के लिए जो एक नई योजना बनाई है, इसके लिए आपकी जो कहानी है वो दिसंबर 2021 तक कश्मीर को शेष भारत से जोड़ने का काम करेगी। ठीक है, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग सबको, गुड मॉर्निंग सारे बच्चे जो भी उपस्थित हैं सबको, गुड मॉर्निंग। 22 लोग लाइव है, कितने, 22। एक बार सारे बच्चे वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट आइए, हैप्पी होली, हैप्पी होली। महाराष्ट्र केसरी कुश्ती प्रतियोगिता 2020 कहाँ पर की गई,
महाराष्ट्र केसरी कुश्ती प्रतियोगिता 2020 कहां पर की गई? मुंबई, पुणे, नागपुर, नासिक। मुंबई, पुणे, नागपुर, नासिक। देखो बताओ। देखो भैया, देखो वेरी गुड। चलिए आपके आंसर की बात कर लिया जाए तो यहाँ पर आपका आंसर ठीक तरीके से आया, बच्चों ने प्रयास किया है। वेरी गुड। चलिए यहाँ पे पुणे को टिक कर दिया जाए, है ना, पुणे। अगर आपने पुणे बोला है, महाराष्ट्र कृषि, ये महाराष्ट्र केसरी की बात कर रहे हैं तो पुणे वाले बच्चे यहाँ पे सही हैं। ध्यान रखिएगा, महाराष्ट्र केसरी कुश्ती 2020 का अभी हाल फिलहाल में 63वां संस्करण, 63rd नंबर का संस्करण जो है वो आयोजित किया गया, कब? 3 जनवरी 2020 को। 63rd नंबर का संस्करण जो है वो 3 जनवरी 2020 को पुणे में किया गया, जो आप जानते हैं कहाँ पर किया गया, शिव छत्रपति स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स बालेवाड़ी, जो आप सब जानते हैं। 3 से 7 जनवरी तक ये चला, ये भी आप लोग जानते हैं, तो ये भी इम्पोर्टेंट था। यहाँ पर टिक कर दें। अच्छा आगे बढ़ें। अच्छा एक चीज़ बताओ सारे बच्चे, ये नासिक जो है वो किस नदी के किनारे बसा हुआ है? नासिक शहर जो है इसके किनारे कौन सी नदी बहती है? कोई आइडिया है किसी को? नासिक। प्रयास करिए फटाफट, सबके लिए इम्पोर्टेंट है नासिक जो है, बिल्कुल गोदावरी है ना, गोदावरी वाले बच्चे सही हैं। चलें आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले 1 मिनट और आपका लेना चाहेंगे। सारे बच्चे कोई जाएगा नहीं, 2 मिनट मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। अगर आपने अभी तक अनअकैडमी प्लस ज्वाइन नहीं किया है तो आप ज्वाइन कर सकते हैं, दीपक सिंह YT10 ये मेरा कोड है, आप इसको यूज़ करके बहुत सारे प्रॉफिट प्राप्त कर सकते हैं, क्लियर, डिस्काउंट पा सकते हैं आप। इसका फ़ायदा क्या है, आपको प्लस लेने के फायदे बहुत ज़्यादा हैं, आप अपनी पसंद के टीचर से पढ़ सकते हैं, बहुत सारी टेस्ट सीरीज आपके लिए उपलब्ध है, शिक्षकों से आप डायरेक्टली वास्तविक तालमेल कर सकते हैं, यहाँ पे आप वीडियो को ऑफलाइन ऑनलाइन भी देख सकते हैं। इसके अतिरिक्त यहाँ पे आपके पसंद के वो सारे टीचर हैं जिनसे आप पढ़ना चाहते हैं, ठीक है भाई, सारे टीचर एक एक करके यहाँ पे उपलब्ध हैं। वाईफाई स्टडी की पूरी टीम हमारे पास है, इनके जरिए आप अपनी तैयारी को अच्छे से कर सकते हैं, ठीक है भाई। यहाँ पर बहुत सारे टॉपिक्स हैं, आप देख सकते हैं, हर सब्जेक्ट के अलग अलग कोर्स उपलब्ध हैं जो प्लस लेने पर बिल्कुल फ्री हो जाते हैं। इसके साथ साथ हर हफ्ते हम लोग का नया बैच लॉन्च होता है, ग्रुप डी, NTPC, JEE, हर चीज़ के लिए, मतलब जो आपकी तैयारी को और बेहतर करेगा, है ना भाई। इसके अतिरिक्त यहाँ पे एक एक सब्जेक्ट के 5 5 6 6 फैकल्टीज़ हैं, आप जिनसे चाहो जैसे चाहो वैसे पढ़ सकते हो, क्लियर। टेस्ट सीरीज की बात करें, वाईफाई स्टडी का टेस्ट सीरीज और मॉक टेस्ट यहाँ पे उपलब्ध है, जिसे आप लोग सॉल्व करके अपने एग्जाम को बेहतर कर सकते हो। हैप्पी होली बेटा। तो आपको अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करना है, उसके बाद ये सारे प्रोसेस है जो आप लोग जानते हैं, प्लस ले सकते हैं, क्लियर। चलिए तो आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ, ये सवाल आपके सामने है, देखिए और प्रयास करिए सारे बच्चे। हार्वर्ड विश्वविद्यालय की बात कर रहा है, हार्वर्ड विश्वविद्यालय के वैज्ञानिक मिल्की वे आकाशगंगा के इंटरस्टेलर पदार्थ के 3D नक्शे का निर्माण कर रहे हैं, जो कि नया एकत्रित स्टार जनगणना का उपयोग कर रहा है। कितने क्वेश्चन हैं बेटा? 40 सवाल है, 40 है ना। रोसेटा अंतरिक्षयान, गया अंतरिक्षयान, या आपके सामने क्या लिखा है, सीपोज अंतरिक्षयान या ओरियन अंतरिक्षयान। स्पीड पकड़िए, यहां से थोड़ा सा तेज करेंगे, है ना, बी वाले सही है, गया अंतरिक्षयान, इसे ध्यान रखिएगा। हार्वर्ड विश्वविद्यालय के वैज्ञानिक मिल्की वे आकाश गंगा के इंटरस्टेलर पदार्थ के 3D मानचित्र का निर्माण कर रहे हैं, जो कि यूरोप के गैया अंतरिक्षयान के द्वारा एकत्रित एक स्टार जनगणना का उपयोग करेगा, क्लियर है, इसे ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आइए, पीएम नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने डैश को राष्ट्रीय महत्व के संस्थान का दर्जा देने की बात करी। पहला आयुर्वेद जामनगर में शिक्षण और अनुसंधान संस्थान, दूसरा क्या है, आयुर्वेद द्वारिका में भारतीय शिक्षण और अनुसंधान संस्थान, तीसरा क्या है, आयुर्वेद ईटानगर में अनुसंधान संस्थान या आयुर्वेद अनुसंधान संस्थान सूरत। देखो भाई यहाँ पे क्या लग रहा है आपको, चलिए यहाँ पर जो आपका आंसर होगा वो ए होगा, आयुर्वेद जामनगर में शिक्षण और अनुसंधान संस्थान, ये अगर आपका आया है तो बिल्कुल सही आया है, इसे ध्यान रखिएगा, ठीक है भाई, ये इंपॉर्टेंट सवाल था। नेक्स्ट आइए, 23, तारा बनाने वाली गैसों की टाइटेनिक लहर जो मिल्की वे में मिलती है, आपको बताना है कितने मीटर लंबी है या कितने किलोमीटर लंबी है, 60, 85, 100 या 10,117, बोला सारे बच्चे फटाफट। विक्की बेटा स्वागत है। देखिए भैया यहाँ पर जो आपके सामने सवाल है,
हार्वर्ड विश्वविद्यालय की बात कर रहा है, सेलेक्टेड सवाल था जो आपको मालूम होना चाहिए था। अगर आपने 85 बोला है तो आप बिल्कुल सही हैं। क्या 85 वाले बच्चे यहाँ पे सही हैं। कारण क्या है आपको मालूम है? हार्वर्ड विश्वविद्यालय ने, वैज्ञानिकों ने 7 जनवरी 2020 को मिल्की तरीके से व्यवहारिक रूप से स्टार बनाने वाली गैसों की एक टाइटेनिक लहर की खोज करी। यह 85 किलोमीटर लंबी है। कितनी? 85 किलोमीटर लंबी है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आइए, ये सवाल है, महाराष्ट्र केसरी का खिताब किसने जीता? 2020 की बात कर रहा है, ध्यान रखिएगा। 2020 महाराष्ट्र केसरी का जो खिताब है वो किसके द्वारा जीता गया? ये ऑप्शन आपके सामने दिखाई दे रहे हैं, देखो प्रयास करो बताओ। उत्तर हो जाएगा हर्षवर्धन सदगीर। ये जो नाम आपके सामने लिखा है ये बिल्कुल सही है, हर्षवर्धन सदगीर का नाम, ध्यान रखिएगा। भारतीय पहलवान हर्षवर्धन सदगीर ने 7 जनवरी 2020 को पुणे के पास बालेवाड़ी में 63वीं कुश्ती प्रतियोगिता में महाराष्ट्र केसरी का खिताब अपने नाम किया। इन्होंने खिताब के लिए दावा करने के लिए लातूर के अपने प्रतिद्वंदी शैलेश सेतक को हराया, जो आप सब जानते हैं। नेक्स्ट आइए, इंद्रधनुष ग्रेड स्लिड लिमिटेड कितने राज्यों को कवर करती है? इंद्रधनुष गैस ग्रिड लिमिटेड ये कितने राज्यों को कवर करेगी? 6, 7, 8 या 10? पहले तो ये जान लो कि ये है क्या। इंद्रधनुष गैस ग्रिड लिमिटेड की अगर बात करेंगे तो इसका लक्ष्य है 8 उत्तर पूर्वी राज्यों अर्थात अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम और त्रिपुरा को कवर करना। सरकार की योजना पूर्वोत्तर क्षेत्र के सभी 8 राज्यों में गैस पाइपलाइन ग्रिड विकसित करने की है। किसकी? गैस पाइपलाइन ग्रिड विकसित करने की। तो यहाँ पर अगर आपका आंसर 8 आया है तो बिल्कुल सही आया है। क्या? 8। और इसके लिए कौन कौन से राज्य आएंगे? अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम और त्रिपुरा, इनके नाम याद रखिएगा। नेक्स्ट आइए, वीडियो निगरानी प्रणाली की बात करेगा तो वीडियो निगरानी प्रणाली की स्थापना के लिए 2020 में भारतीय रेलवे को निर्भया फंड कितना आवंटित किया गया? 100 करोड़, 150 करोड़, 200 करोड़ या 250 करोड़? ध्यान से करिएगा सारे बच्चे, किसको किसको पता है, किसको किसको आता है। ध्यान से फटाफट, ध्यान से, बहुत बढ़िया। चलिए सवाल नंबर 26 के आंसर की बात कर लें तो यहां पर भी आपका उत्तर बिल्कुल सही आया है, डी, 250 करोड़। ध्यान रखिए कितना? 250 करोड़। ये सवाल इंपॉर्टेंट था थोड़ा सा, क्यों? क्योंकि तो मैंने पिछली बार भी इसको कराया था, ये आने की संभावना में है। वीडियो निगरानी प्रणाली की बात करेंगे तो इसकी स्थापना के लिए निर्भया फंड से आपको जो 250 करोड़ रुपए आवंटित किए गए, कितना? 250 करोड़ रुपए। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट, 250। नेक्स्ट आइए अगले सवाल की तरफ, फटाफट जुड़ेंगे। अब यहां पे वही सवाल आ गया, इंद्रधनुष गैस ग्रिड लिमिटेड के लिए अनुमानित लागत क्या है? इंद्रधनुष गैस ग्रिड लिमिटेड के लिए अनुमानित लागत क्या है? 24, 50, 63, 45, 7,000 या 9,265? प्रयास करिए सारे बच्चे, सब फटाफट, जल्दी जल्दी। नहीं पता है, कोई बात नहीं। इंद्रधनुष गैस ग्रिड लिमिटेड के लिए अनुमानित लागत की अगर बात करेंगे तो 9,265 करोड़ रुपए है। सरकार के द्वारा मौजूदा अनुमोदन में परियोजना की 60% लागत को कवर करने की उम्मीद की गई है। 9,265 यानी कि मैक्सिमम, इनमें से मैक्सिमम, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आइए, अपराधियों की पहचान करने और उन्हें पकड़ने के लिए परीक्षण मामलों के रूप में कृत्रिम बुद्धिमत्ता द्वारा समर्थित किस स्टेशन को फेसियल रिकॉग्निशन तकनीकी चेहरे की पहचान के लिए सफलता मिली है? सनमांड और भुसावल स्टेशन, साईनगर शिरडी स्टेशन, भुसावल और दौड़ स्टेशन या कोपरगांव और नासिक स्टेशन? इसे प्रयास करो बताओ। आपके चेहरे की पहचान करने के लिए है, ए वाले बच्चे यहाँ पे सही हैं अगर आपने ए बताया है तो। इसे ध्यान रखिएगा, बेंगलुरु के मनमांड और भुसावल स्टेशन को कृत्रिम बुद्धिमत्ता द्वारा समर्थित फेसियल रिकॉग्निशन तकनीकी चेहरे की पहचान के लिए स्थापित किया गया ताकि अपराधियों की पहचान करने और उन्हें गिरफ्तार करने के लिए परीक्षण मामले में आसानी मिल सके या सफलता मिल सके। क्लियर है? इसे ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आइएगा, काजल बेटा स्वागत है आपका भी, अभिजीत, वेरी गुड। ये और सवाल बढ़िया है, आप इसे ट्राई करो। CCEA ने इंद्रधनुष गैस ग्रिड लिमिटेड व्यवहार्यता गैप फीडिंग कैपिटल ग्राउंड फीडिंग के रूप में कितना स्वीकार किया? 3,332 करोड़, 1,860 करोड़, 4,764 करोड़ या 5,559 करोड़?
ठीक है भैया, ध्यान से करिए सारे बच्चे फटाफट। देखो भाई क्या होगा आंसर, 40 सवाल रहेंगे, 40। जल्दी, 29 नंबर सवाल था, 29 का आंसर डी हो जाएगा, डी, 5559, 5559 है ना। आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल समिति ने 8 जनवरी 2020 को इंधनुष गैस ग्रिड लिमिटेड को 5559 करोड़ रुपए की विजिबिलिटी गैप फीडिंग कैपिटल ग्रांट को अनुमानित करने की जो लागत को है वो 60% बढ़ाया था, जो मैंने आपसे थोड़ी देर पहले बताया है। चले आगे बढ़े अगले सवाल की तरफ फटाफट। ये देखो भाई पीयूष, यहाँ पे सवाल समझना, मंत्री पीयूष गोयल के द्वारा स्थापित एक पैनल में मुंबई दिल्ली और हावड़ा दिल्ली सेक्टर सहित 100 मार्गों पर निजी गाड़ियों को मंजूरी दी गई जो राजधानी से प्रतिस्पर्धा करेंगी, 100, 150, 200 या 180। ठीक है भैया, 100, 150, 200 या 180। सारे बच्चे तेज प्रयास करें। बहुत बढ़िया, वेरी गुड, वेरी गुड। चलिए आपके आंसर की बात कर ले तो यहाँ पर आपका आंसर सवाल नंबर 30 है और जबरदस्त प्रयास किया है आपने, 150 अगर बोला। क्या होगा भाई यहाँ पे, क्या होगा, 150 निजी गाड़ियों की बात कर रहा, नहीं मालूम, कोई बात नहीं, 150, इसे ध्यान रखिएगा है ना, इसे ध्यान रखिएगा, 150 निजी गाड़ियों की मंजूरी दे दी है, 100 मार्गों पर कितनी, 150 निजी गाड़ियों की बात कर रहा था, इसे ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट सवाल है। नेक्स्ट आइए अगले सवाल की तरफ। प्रवासी भारतीय दिवस हम लोग कब मनाते हैं, या आपको जो प्रवासी भारतीय दिवस होता है ये कब मनाया जाता है, जनवरी में। सारे बच्चे बहुत बढ़िया है, यहाँ पे 12, 13, 16, 18, 12, 13, 16, 18, ध्यान से करिए फटाफट सारे बच्चे। यहाँ पे आपका उत्तर सी हो जाएगा, सी मतलब 16, सी मतलब 16, 16वीं प्रवासी भारतीय दिवस की बात करेंगे तो नौ, हाँ नहीं 16 नहीं होगा, अभी 16वां प्रवासी भारतीय दिवस मनाया गया ना बेटा। हाँ यहाँ पे पूछा जा रहा है कौन से नंबर का भारतीय दिवस, ठीक है, तो अभी 16वां प्रवासी भारतीय दिवस मनाया गया, जो कब मनाया गया बेटा, ये मनाया 9 जनवरी को जाता है, ये मनाया 9 जनवरी को जाता है, लेकिन जो आपके सामने सवाल था वो ये था कौन से नंबर का प्रवासी भारतीय दिवस मनाया गया, क्लियर है, इसे ध्यान रखिएगा। अरे मेरे कहने का मतलब तो समझो मेरे लाल, यहाँ पे जो पूछा गया है हाल फिलहाल में आपका 16वां प्रवासी भारतीय दिवस मनाया गया, 16 नंबर का प्रवासी भारतीय दिवस मनाया गया है जो 9 जनवरी को मनाया जाता है, ये सवाल है। क्यों परेशान हो बेटा, सारे बच्चे वीडियो को लाइक और शेयर कर दो, सारे बच्चे वीडियो को लाइक और शेयर कर दो। नेक्स्ट आइए, निम्नलिखित में कौन यूरोपीय संघ का पृथ्वी अवलोकन कार्यक्रम है, निम्नलिखित में से कौन यूरोपीय पृथ्वी संघ का अवलोकन कार्यक्रम है, औरा, धरती, कॉपरनिकस, एकाटीन। जल्दी जल्दी सारे बच्चे स्पीड पकड़िए, 32 नंबर सवाल है, 32, 32 उत्तर हो जाएगा यहाँ पे क्या बेटा, कॉपर निकस, वेरी गुड, कॉपर निकस वाले बच्चे यहाँ पे
सही है अगर आपने प्रयास किया है तो। ये भी ध्यान रखने वाला सवाल था, अगर हम कॉपरनिकस की बात करें भाई, तो कॉपरनिकस ईयू का पृथ्वी अवलोकन कार्यक्रम है, आप लोग जानते हैं। इसमें सिस्टम का एक जटिल सेट होता है जो कई स्रोतों से डेटा एकत्र करता है। एकत्रित जानकारी संसाधित की जाती है और उपयोगकर्ता को वातावरण, जलवायु परिवर्तन, भूमि, समुद्र, आपातकालीन प्रबंधन आदि की सुरक्षा के लिए सेवाएं प्रदान करती है ना, ये भी आप लोग जानते हैं। नेक्स्ट आइए, महात्मा गांधी सबसे महान प्रवासी भारतीय कब अफ्रीका से भारत लौटे थे? महात्मा गांधी की बात कर रहा है और महात्मा गांधी अफ्रीका से भारत कब लौटे थे, ये सवाल आपके सामने है। सुशांत बेटा स्वागत है। बहुत बढ़िया, और चलिए, यहाँ पर आपका आंसर बिल्कुल सही था, यहाँ पर आपका आंसर बिल्कुल सही था। अगर आपने बोला है तो बिल्कुल सही बात लेते हैं यहाँ पे, है ना। 1915, 1915 में लौटे, 1915 में लौटे, काफ़ी समय व्यतीत किया वहाँ पे, 21 साल, है ना, आप सब जानते हैं। नेक्स्ट आइए, एल नीनो ये कहाँ, ये क्या है भाई एल नीनो, ये है क्या बताओ बेटा? अटलांटिक महासागर, प्रशांत महासागर, अरब महासागर या हिंद महासागर, ये कहां पर होता है? बहुत बढ़िया, सारे बच्चे करिए, सारे बच्चे, 34 नंबर सवाल है, 34, वेरी गुड। यहाँ पे जो आपका आंसर होगा वो प्रशांत महासागर हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई? प्रशांत महासागर। अच्छा मुझे आप लोग बताओगे सारे बच्चे, सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? सबसे बड़ा महासागर इनमें से कौन सा है, कोई आइडिया? सबसे बड़े महासागर को लेकर, सबसे बड़ा महासागर बेटा, ये जो आपके सामने लिखा हुआ है आप समझ नहीं पा रहे हो, एल नीनो ये एक जलवायु चक्रवात होता है, जलवायु चक्र जिसको क्या बोलते हैं, ये प्रशांत महासागर में होता है। अगर आपको बिल्कुल नहीं मालूम है तो आप ये जान लो कि ये आपका जलवायु चक्र है जो प्रशांत महासागर में होता है, या मौसम के पैटर्न पर वैश्विक प्रभाव का कारण बनता है। हाँ, प्रशांत महासागर सबसे बड़ा है, प्रशांत, वेरी गुड। नेक्स्ट आइए, प्रवासी भारतीय सम्मान को कौन स्वीकार करता है? प्रवासी भारतीय सम्मान को कौन स्वीकार करता है? बहुत बढ़िया, सारे बच्चे करो यार, बहुत बढ़िया है। चलिए यार, सिंपल सवाल था, आपको करना चाहिए था, 35 नंबर सवाल है और 35 का आंसर ए, मतलब राष्ट्रपति, इसमें क्या था, सिंपल था, कर सकते थे आप लोग, है ना। नेक्स्ट आइए अगले सवाल की तरफ, इसको देखो, कॉपरनिकस क्लाइमेट चेंज सर्विस जलवायु निगरानी सेवा है, अफ्रीकी संघ का, यूरोपीय संघ का, संयुक्त राष्ट्र का या मौसम विज्ञान विभाग का, इसको देखो, प्रयास करो। रूबी, ज्योति, मनी, राहुल, प्रेम, बहुत बढ़िया, सारे बच्चे प्रयास करो बेटा, 36 नंबर, आसान सवाल था, कर सकते थे आप लोग, बी वाले बच्चे सही, यूरोपीय संघ वाले, ये ध्यान रखा करो आप लोग, है ना, इसको ध्यान रखा करो। कॉपरनिकस क्लाइमेट चेंज सर्विस जलवायु परिवर्तन सेवा यूरोपीय संघ की जलवायु निगरानी सेवा है, आप जानते हैं C35 जलवायु परिवर्तन अनुकूलन के लिए महत्वपूर्ण है, जो आपको मतलब हर बच्चे को मालूम होना चाहिए, मैंने एक बार पहले भी इस पर डिस्कस किया है। नेक्स्ट आइए, प्रवासी भारतीय दिवस पहली बार कब मनाया गया था? प्रवासी भारतीय दिवस जो है वो पहली बार कब मनाया गया था बेटा? ये सवाल ठीक ठाक था, जो आपके दिमाग में रहना चाहिए था।
बहुत बढ़िया है। सवाल नंबर 37 है, 37 के आंसर की बात करेंगे। यहाँ पे सी हो जाएगा 2003 में, है ना? इम्पॉर्टेंट सवाल ये भी है 2003 में, अच्छे तरीके से जो आपका है वो 2003 में मनाया गया, इम्पॉर्टेंट सवाल है, तब से लेकर हम लोग हर साल इसको आयोजित करते हैं। वेरी गुड, नेक्स्ट आइए। 38, महाराष्ट्र केसरी कुश्ती 2020 का जो संस्करण है 3 जनवरी 2020 से स्टार्ट हुआ, 50, 55, 63, 68, ध्यान से। यहां पर भी सवाल बढ़िया था, महाराष्ट्र केसरी अभी मैंने बताया था इसका 63वां संस्करण, 63rd नंबर का जो संस्करण है वो आयोजित किया गया, जो मैंने आपसे बता रखा है थोड़ी देर पहले। ठीक है, तो यार सारे बच्चे 21 लोग हैं, सारे बच्चे एक काम कर लें, वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक जरूर कर देंगे, है ना? चलिए दो सवाल और बचे हैं, उनको भी कर लेते हैं। किस वर्ष को रिकॉर्ड पर दूसरे सबसे गर्म वर्ष के रूप में दर्ज किया गया था और इतिहास में सबसे गर्म दशक समाप्त हो गया? 16, 17, 18 या 19? 16, 17, 18 या 19, ध्यान से। यूरोपीय संघ की अगर हम बात की जाए तो 2019 की बात करेंगे, 2019 को रिकॉर्ड दूसरा सबसे ज्यादा गर्म वर्ष घोषित कर दिया गया, इसे आप ध्यान रखोगे 2019 को जो अभी बीता है ना भाई? अंतिम सवाल आ गया, वही सवाल आपके सामने। आपका जो प्रवासी भारतीय दिवस है वो कब मनाया जाता है? प्रवासी भारतीय दिवस को हम लोग कब सेलिब्रेट करते हैं या कब मनाते हैं? तो यार ये आप में से हर बच्चे को पता होना चाहिए, इंपॉर्टेंट था। सी सही है, 9 जनवरी। कब मनाते हैं बेटा? 9 जनवरी को हम लोग प्रवासी भारतीय दिवस मनाते हैं। कोई दिक्कत, कोई डाउट, कोई समस्या? आज के लिए इतने ही सवाल थे, सारे बच्चे जो भी उपस्थित हुए हैं उनसे निवेदन है कि रेगुलर हम लोग की क्लासेस चलती हैं 10 AM, आज थोड़ा दिक्कत था इसलिए हम लोग जल्दी कर लिए हैं। समय रोज 10 AM का है, सुबह 10 बजे हम लोग की क्लास स्टार्ट होती है, और ये सवाल ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी आने वाली NTPC और ग्रुप डी परीक्षा के लिए, है ना बेटा? तो इसे आप सब ध्यान रखें, सारे बच्चे टाइमली उपस्थित रहें। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद।